लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के खिलाफ और आक्रामक तेवर अख्तियार कर सकती हैं। इसके संकेत कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक भाजपा की जन विरोधी नीतियों को पहुँचाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमर कसते हुए वीरवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और आगामी रणनीति तय की। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक पर्यवेक्षकों, अग्रणी संगठनों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति बनाई और उनके सुझाव भी लिए। वहीं बैठक में बूथ कमेटियां बनाने पर भी चर्चा हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ कमेटियां बनी होने के साथ ही सक्रिय तौर पर काम करें। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में 3 चरणों में पथ यात्रा कर गांव-गांव पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि निकम्मी सरकार बेहाल, एक साल बदहाल के नारे के साथ पथ यात्रा इसी महीने से शुरू की जाएगी, जो फरवरी माह में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि शक्ति ऐप से अब तक 44,000 लोग जुड़ चुके हैं और हर विधानसभा क्षेत्र से और अधिक लोगों को इस ऐप के साथ जोड़ा जाएगा। ठाकुर ने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में हिसाब दे सांसद, जवाब दे सांसद अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारों भाजपा सांसदों से कांग्रेस वर्तमान कार्यकाल का हिसाब मांगेगी। वहीं बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को बूथ सौंपने पर भी चर्चा की गई। ये 2-3 स्कीम्स हमारी अभी शुरू की जा रही है। शक्ति ऐप में तकरीबन 44,000 के करीब लोग हमारे दिल्ली में शक्ति ऐप से जुड़ गए। 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चला है और शक्ति ऐप के बाद अब हमारा पथ यात्रा शुरू होगी कि 3 या 4 फेज में हम इस पथ यात्रा को आज चर्चा करेंगे। इस पथ यात्रा में जो भी चुनाव लड़ा है उस क्षेत्र में उसमें उसको प्रत्येक गाँव में जाकर लोगों के बीच बैठकर उनकी उनसे बातचीत करनी है और जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी है, तो इस बारे में आज विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं या नेतागण हैं उनके जो अपने बूथ हैं उनके अडॉप्शन स्कीम्स के बारे में हमारी बात होगी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है वो हमारा जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में जो किस मुद्दे को लेकर हम क्या कार्यक्रम लाएंगे इस बारे में विस्तृत चर्चा आज हमारी इस बैठक में होगी। आने वाले समय में हमारी जो इंचार्ज है रजनी पाटिल जी भी और हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं उन सब लोगों को कहा गया है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपने दौरे कीजिए ताकि आने वाले समय में और आक्रामक भूमिका हमारी कांग्रेस पार्टी निभा सके। 4 सांसद चुनकर गए हैं, सांसद ने कितने सवाल जनता से किए हैं और जल्दी इस बारे में एक बुकलेट और पंपलेट भी छापा जाएगा। प्रदेश में पिछले एक साल से जिस प्रकार की निकम्मी सरकार बैठी है और निकम्मी सरकार एक साल बेहाल बदहाल इस नारे को लेकर भी हम प्रदेश जनता के बीच में जाएंगे और फरवरी तक हमारी सारी पथ यात्राएँ ख़त्म हो जाएगी और जो शक्ति ऐप है उसमें हम और अधिक जो हमारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार, हर्ष महाजन, डॉक्टर बीरू राम किशोर, कहर सिंह खाची और महासचिव हरभजन सिंह भज्जी, रामलाल ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, रवि ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी, किशोरी लाल, नरेश चौहान और संजय अवस्थी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।